गांव के विकास को देखने आज हमारी पूरी टीम वाराणसी के ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान विजय कुमार सिंह के गांव के विकास को लेकर बातचीत करने। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव के विकास के लिए जितनी सरकार से हमें मदद मिल सकती है, जितना हम कर सकते हैं, फिलहाल हम लगातार काम कर रहे हैं। गांव के विकास को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में ग्रामवासियों से समय ना लूं और इसी 5 साल के अंदर मैं अपने गांव को पूरी तरह से विकसित कर दूं। प्राथमिक विद्यालय में आने जाने का रास्ता नहीं था तो हमने वहां पक्की सड़क बनवाई है। उसके बाद हाल ही में मैंने आंगनबाड़ी, बहनें भटकती थी रूम लेकर बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने आंगनबाड़ी का निर्माण कराया है। पंचायत भवन का हालत बहुत ख़राब था, बहुत टूटा और जर्जर था तो उनका सुंदरीकरण हमने करवाया है। एक नए CHC भवन का उद्घाटन करवाया है। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बोला कि पानी की समस्या के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। कई सालों से गांव में पानी की समस्या है, अभी पूरी नहीं हो पाई है। इस सवाल को लेकर ग्राम प्रधान ने जवाब दिया कि ग्राम सभा में एक बजट मिलता है जो जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। पिछले 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है और हमारे गांव का बजट बहुत छोटा है। कहने के लिए 5 गाँव है लेकिन हमें इनमें से 2 गाँव नाम चिरागी है और कुल जनसंख्या रामपुर, सदरपुर और मीरापुर के आधार पर बजट आता है और उस बजट से जितना काम ग्राम प्रधान करा सकते हैं, सरकार जितना बजट देती है उसी में नाली और चक्रोड का हम लोग निर्माण कराते हैं और जितना बजट देती है। और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर ने जी, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार फोर्थ पिलर की टीम आपको ग्राम पंचायत और गांव के जो भी प्रधान है और क्या कुछ कार्य किए हैं अपने गांव में, गांव का हाल भी दिखा रही है। उसी क्रम में हम ग्राम पंचायत मीरापुर में मौजूद है इस वक्त वाराणसी के, और हमारे साथ यहाँ के प्रधान हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बीते वर्षों में उन्होंने कार्य करवाया है और क्या कुछ बचा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं और गांव की जनता क्या कुछ कितनी संतुष्ट है और क्या शिकायतें उन्हें उन तक रखती है, यह भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पूरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं वर्तमान समय में ग्राम पंचायत रामपुर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे ग्राम पंचायत रामपुर में रामपुर के अलावा कुल 4 और राजस्व ग्राम है, सदलपुर, मीरापुर, निविया, जगवा। इसमें वर्तमान समय मेरे गाँव की कुल आबादी 15 से 20 हज़ार होगी और गांव के विकास के लिए जितनी सरकार से हमें मदद मिल सकती है और जितना हम कर सकते हैं, फिलहाल हम लगातार काम कर रहे हैं। जी विकास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ आपने कार्य कराया अपने गांव में, क्या कुछ समस्याएं थी और कितना बदलाव हुआ अभी तक। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में ग्राम वासियों से समय न लूं और इसी 5 साल के अंतर में अपने ग्राम को पूरी तरह से विकसित कर दूं। इन 5 साल तक मैं सबसे अपने ग्राम खेल मैदान का निर्माण करवाया है जी। उसके बाद मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय पे आने जाने का रास्ता नहीं था तो मैंने उस पर पक्की सड़क बनवाई है। उसके अलावा मैंने क्या कहते हैं, अभी हाल में ही चूंकि हमारी आंगनवाड़ी बहनें बहुत ही परेशान थी, जगह जगह भटकती थी, रूम लेके बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने आंगनवाड़ी का निर्माण कराया है। मेरे पंचायत भवन का बहुत ही टूटा और जर्जर अवस्था में था, उसका सुंदरीकरण मैंने करवाया है। एक नए CST भवन का उद्घाटन करवाया है। साथ में रामपुर, सदलपुर, मीरापुर और निविया, जगवा सहित 5ों गाँव में मैंने कम से कम 200 सड़कों का निर्माण करवाया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाभार्थियों को मैंने अभी आवास दिलवाया है जी। जिनका आवास का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही कम से कम मैंने 100 लोगों को शौचालय दिलवाया है अपने गांव में, जो कमज़ोर थे या कह सकते हैं लाचार थे, जिनके पास पैसे के अभाव कारण आज भी बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। इसलिए मैंने उनके यहाँ जितनी मदद हो सकी है ब्लॉक से, मैंने उन लोगों को शौचालय दिया हुआ है और आगे भी काफ़ी लोगों को शौचालय जो नहीं कर पा रहे हैं अपने से, उनको देने का और आवास देने का माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से देने का विचार और प्रयास हम लोगों का जारी है। अगर बात की जाए गांव वासियों की, उनसे बात की हमने, साफ तौर पे कई लोगों का ये कहना था कि उन्हें योजनाओं का तो लाभ कुछ योजनाओं का मिल रहा है पर अभी वृद्धा पेंशन योजना है जैसी योजना उन तक नहीं पहुंच पाई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप जी। पेंशन स्कीम 3 प्रकार की चलती है सरकार की जी। एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन और एक होता है दिव्यांग पेंशन जी। जब मैं ग्राम का प्रधान बना तो कुल 36 लोगों का ही पेंशन आता था। इस समय वर्तमान समय में करीबन 150 लोगों का वृद्धा, विधवा और क्या कहते हैं दिव्यांग पेंशन मिला के आ रहा है। ऐसा कोई भी मेरे पास जो आ रहा है और जो क्या कहते हैं गरीब है या लाल कार्ड धारक है, उन सभी का मैंने विधवा, वृद्धा और दिव्यांग, मतलब जो जिस श्रेणी में आता है, मैंने किसी का छोड़ा नहीं है। दौड़ धूप के सभी का मैंने पेंशन बनवा चुका हूँ अभी तक। अभी तक आवास इतना कम क्यों बना?
जी हमारा गांव शहर से सटा हुआ है जी। और हमारे यहाँ जो पेंशन मतलब आवास के लिए जो स्कीम है वो कुल 1,07,000 रुपए आता है, जिसमें से 20,000 रुपए का आता है ये सरकार के द्वारा मिलता है, मतलब मुख्यमंत्री सहायतार्थ मिलता है, और 17,000 मनरेगा से मिलता है। लेकिन उसकी एक नियम है, जिनके पास कच्चा आवास है या जो बहुत ही निर्धन है उन्हीं को आवास दिया जाता है, और हमारे यहाँ लगभग सभी लोग पक्का मकान अधिकतर लोग बनवा चुके हैं, इसलिए आवास से वंचित रह जा रहे हैं। नगर निगम की तरह यहाँ वो स्कीम नहीं है कि आपके पास पक्का आवास हो तो ऊपर पक्का आवास मिल जाए। यही गांव के निवासियों की मांग है कि वो निर्धन है, पाई पाई जोड़ के अगर ईटा जुड़ा करके ईटा गारा का जोड़ करके अगर उस पर टीनसेट रखवा लिए हैं तो उन्हें भी आवास मिलना चाहिए जी। लेकिन अभी हमारे नियमों में ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उनका आवास नहीं बन पा रहा है। देखिए आप कुछ गांव वासियों से बात की, पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और सीवर की समस्या भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए पानी की समस्या के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, और कई वर्षों से वो जूझ रहे हैं ये चीजों से, अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया है, उनके लिए जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पाई। आपके भी 2.5 साल हो चुके, आपने भी अभी तक नहीं करवाया, क्या कारण रहा? देखिए कारण, गांव सभा में एक बजट मिलता है जी। जो जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। पिछले 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है और हमारे गाँव का बजट बहुत छोटा है। कहने के लिए 5 गाँव है लेकिन इनमें से 2 गाँव नान चिरागी है, और कुल जनसंख्या रामपुर, सदलपुर और मीरापुर की है। इन्हीं के आधार पर बजट आता है और उस बजट से जितना काम ग्राम प्रधान करा सकते हैं कराएं। फिलहाल हमारे बजट, हमारे खाते में कोई शेष धनराशि उपलब्ध नहीं है। सरकार जितना बजट देती है उसी में नाली और चकरोड का हम लोग निर्माण करवाते हैं। देखिए गाँव वासियों की बात की जाए तो अब तक ग्राम प्रधान भी हैं, कार्य भी करवा रहे हैं, योजनाओं को भी लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर कुछ ऐसे गांव वाले भी हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है कई सारी योजनाओं का, वो आप तक आते हैं तो क्या कुछ समस्याएं आप तक रखते हैं वो हमें बताइए। देखिए गाँव वाले अधिकतर जो भी आते हैं, सार्वजनिक समस्या होती है उसे हम अपने मार्फत दूर करने की कोशिश करते हैं। जो हमसे दूर नहीं हो पाती है हम उसे अपने माननीय विधायक गण या सांसद महोदय, हमारे यहाँ के सांसद तो मोदी जी ही हैं जी जी। तो हम अपने माननीय विधायक जी और जिला पंचायत जी तक ये बातें पहुँचाते हैं, सरकार तक पहुँचाने के प्रयास करते हैं, माननीय मंत्री जी लोगों के पास तक जाते हैं, और जहाँ तक हम लोगों से बन सकता है वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे जो सीवर का कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल एक समस्या आ गई कि सीवर का पानी हम लोग गिराएं कहाँ, मिलाएं कहाँ, क्योंकि तालाबों में अब सीवर का पानी मिलाने से ऊपर से रोक लगा दी गई है। तो सीवर हम लोग बनवाएंगे तो मिलाएं कहाँ, इस समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा है, और इसी के लिए हमारी सरकार से बातचीत चल रही है, अपने यहाँ विधायक जी से भी बातचीत चल रही है। लगभग फिर भी अपने कार्यकाल में मैंने कम से कम 2 किलोमीटर तक के सीवर का निर्माण करवा चुका हूँ, और आगे अभी 2 साल में जितना बन सकेगा उतना मैं करवाने की कोशिश पूरी करूंगा। हमारे पास मुख्य समस्या है कि ये सीवर का पानी हम ले कहाँ जाए, गिराएं कहाँ, पानी गिरने का कहीं जगह नहीं है। लेकिन सीवर की समस्या आपने बताई जिस तरह से कि उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, आपने रखी प्रस्ताव भी रखा लोगों के पास, मंत्रियों के पास, क्या कहना होता है उनका? उनका यही कहना होता है कि घबराएं नहीं, जल्दी इस पर कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। पर ये तो कई दिनों से चल रहा आ रहा है आपके गांव में, आप भी इस गांव में हैं, आप भी देखते होंगे लोगों की जो मजबूरी है पानी को लेकर, सीवर को लेकर, काम नहीं हो रहा है उस पर, आपने कुछ और कुछ भी बोला उनसे? नहीं, देखिए जिनकी भी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं उनके लिए तत्काल वहां पर गड्ढा खुदवा कर उनके घर के पानी की व्यवस्था कर दी जा रही है, और ये समुचित गांव की जो प्रॉब्लम है कि सारे गांव का पानी जो निकले उसके लिए नाले का कहीं पानी का डंप होना जरूरी है, उसके लिए बातचीत माननीय सरकार से या माननीय विधायक जी से हम लोगों की चल रही है। जब आप प्रधान बने, 2.5 साल का कार्यकाल भी आपका खत्म भी थे, राय सचे हुए हैं, क्या कुछ सोचा है कि अभी हमारे अपने गाँव के लिए आपको करना? मेरी इच्छा और कोशिश यही है कि मैं अपने इन 5 साल के कार्यकालों में किसी को ये कहने का मौका न दूं कि मैंने 5 साल बाद में जितना वादा किया था वो नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ काम मैं आगे के लिए छोड़ के जाऊंगा, जितना काम है मैं सब कुछ इन 5 सालों में करके जाऊंगा, अगर कोई काम छूटता है तो ये मेरी कमी है। जी जैसे सीवर समस्या, पानी की समस्या तो गांव में अधिकतर देखी जाती है, लोगों को परेशानियां भी होती है, बात की जाए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, उस पर क्या कुछ किया अभी आप? देखिए शिक्षा के लिए मेरे यहाँ प्राथमिक, एक ही प्राथमिक विद्यालय है और 2 आंगनवाड़ियाँ थी, वर्तमान में मैंने 2 आंगनवाड़ियाँ बनवा रहा हूँ, 1 आंगनवाड़ी बनके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा जो रिलायंस की तरह से दिया गया है। और रह गई बात प्राथमिक विद्यालय पे आने जाने के लिए रास्ता नहीं था तो हमने उसे पूरी तरह से पक्का करवा दिया, अब वहाँ बच्चे से आ जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए माननीय अनिल राजभर जी मंत्री जी को हमने लेटर पैड पे लिख के दिया हुआ है, आश्वासन मिला है जल्दी उनकी तरफ से हो सकता है स्वास्थ्य या जांच करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम आए और हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कार्य चालू हो।
मैं गाँव वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपस में मिलकर प्रेम व्यवहार से रहें और अपने गांव को स्वच्छ रखें। आने वाला समय बरसात का है और बरसात से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। हम लोगों से जितना बन सकता है चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको भी सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। बरसात में बच कर रहें, डेंगू से बचाव के लिए मिट्टी का तेल और चूने ब्लीचिंग का छिड़काव करते रहें। जहाँ न रहें हमें बताएँ और आपस में मिलजुल के रहें। स्वच्छता का खासकर ध्यान दें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, सुंदर रखें और जरूर से इस बार हो सके तो कम से कम अपने परिवार में हर एक बच्चे के नाम पर एक वृक्षारोपण जरूर करवाएं। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे विजय कुमार सिंह जी से, ग्राम पंचायत मीरापुर से हैं। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि बीते दिनों में उन्होंने जो कार्य अपने गांव के लिए कार्य किया हुआ है, कैसे जो उन्होंने विस्तार में बताया, अभी साथ ही साथ आगे भी स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे भी जोर देने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से अभियान चलाने की बात की गई है, स्वच्छता अभियान चलाने की, एक पौधारोपण भी करने का गांव उन्होंने संदेश दिया है, उस पर भी जोर देने के लिए इन्होंने अपील किया है। कैमरा जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़।